मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। बच्चों, आज का सुविचार है, समय सबसे अधिक मूल्यवान है। सही बात है, समय इसलिए हमारे लिए कीमती है क्योंकि समय के रहते हमें सब काम कर लेना चाहिए, तो ही हम आगे सफल होंगे। बच्चों, हमने पार्ट 3 नन्हा मुन्ना राही पढ़ा है, जो बहुत ही देशभक्ति बाल गीत है ना, बच्चों की बहुत अच्छी कविता है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बच्चों, मैंने शब्दार्थ और हार्ड वर्ड्स हमने पढ़ लिया है। आज मैं आपको प्रश्नों के उत्तर ब्लैक बोर्ड पे लिखाई हूँ और समझा रही हूँ। पीडीएफ के माध्यम से आप सही तरीके से अपने नोटबुक में लिख लेंगे। तो आइए प्रश्न पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ। प्रश्न उत्तर पार्ट 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ। पहला प्रश्न है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश के लिए करना चाहते हो। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप ऐसे कौन से कार्य करना चाहेंगे जो देश के लिए हो। तो उत्तर होगा, सही उत्तर, हम बड़े होकर सेना में जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। हम बड़े होकर सेना में जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। सेना में भर्ती होंगे और देश की रक्षा करेंगे। हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। फिर प्रश्न दूसरा है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। अगर आप सेना में जाएंगे, सिपाही होंगे तो क्या करेंगे। तो आंसर है, अगर हम सिपाही होते तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते। प्राण मतलब अपनी जान, अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते। फिर है प्रश्न तीसरा, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो जाता तो क्या सोचता। तो एक सैनिक लड़ते लड़ते यदि घायल भी हो जाता, घायल यानी जख्मी हो जाना, चोट लग जाना है ना, तो भी ये सोचता कि भले मेरे प्राण चले जाए, भले मेरी जान चले जाए, लेकिन मैं अपने देश की आन शान के लिए रक्षा करता हूँ और करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि एक सेना के मन में अपने देश को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा से ये भावना रहती है। तो बच्चों, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ आपको, पहला क्वेश्चन में ऐसे दो कार्य बताने हैं जो देश की रक्षा के लिए हो, है ना। तो हम बड़े होकर सेना में जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। सेकेंड है, अपने देश को स्वच्छ रखेंगे। फिर प्रश्न दूसरा है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। अगर हम सिपाही होते तो अपने देश की रक्षा प्राणों की परवाह किए बिना ही देश की रक्षा करते। फिर एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो जाता तो क्या सोचता। तो एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल भी हो जाता तो वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा करता। फोर्थ क्वेश्चन है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। तिरंगा मतलब तीन रंगों का, राष्ट्र ध्वज यानी फ्लैग है ना, जो हमारा तिरंगा झंडा होता है उसको तिरंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि तीन रंगों का होता है। तो आंसर है, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके तीन रंग होते हैं, हरा, सफेद और केसरिया, है ना। सबसे नीचे क्या है, हरा रंग। तो सबसे नीचे हरा रंग होता है जो हरियाली का प्रतीक है। हमारी धरती कैसी है, हरी भरी है, इसीलिए से हम हरा रंग रखे हैं जो हमारी संपन्नता का प्रतीक है। फिर बीच में सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। इसमें एक चक्र होता है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। नीले रंग का एक चक्र होता है जिसको अशोक चक्र कहते हैं, है ना। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है
जो वीरता और साहस का प्रतीक है। सबसे ऊपर केसरिया रंग यानी ऑरेंज कलर होता है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि फ्लैग में, झंडा में तीन रंग होते हैं, हरा, सफ़ेद और केसरिया। तो बच्चों आज मैंने पाठ में जो प्रश्न उत्तर कराए हैं आपको समझ में आ गया होगा, आशा है आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।